दवाई लैन आई थी ओहदे नाल वेख्या दीवार उस वक्त नीवी सी ते मैं उहनूं कहिंदे चाह बना के लिया मैं चाह बनाउण वास्ते आया जिसले मैं उधर नज़र पई मेरी ते मैं उहनूं वेख्या उस बाद असीं उहदे नाल सलाम खतम दीवार निक्की सी तुसीं उहनूं वेख्या कि ओह औरत नाल ज़िना करदा पिया हां जी तुसीं जाके उहनूं पुछा नहीं कि आ तुसीं की करदे मैं कहा सर ते ओह मैनूं कहिंदा किसे नूं दस्सी ना मैं कहा मैं तैनूं लै के आया कि तूं तां अच्छा बंदा है दरवेश तूं अपने आप नूं साबत कहिंदा ते इह तूं की कम करना पिया ते औरत दे नाल उहने रज़ामंदगी नाल कीता जां जबरदस्ती रज़ामंदी यानी कि औरत नल रज़ामंदगी नाल सलाम अलैकुम नाज़रीन 42 टीवी के साथ मैं हूं आपका होस्ट उमर अली। नाज़रीन इस वक्त पीर वाले रोड पर मैं मौजूद हूँ जिन्ना वाली मस्जिद के नज़दीक एक इलाका है उसमें मेरे साथ एक चाचा जी मौजूद हैं जिनका कहना है कि यूसुफ नामी शख्स जो कि हिकमत करता था हिकमत के आड़ में वो औरतों के साथ जना भी करता था उसके अलावा वो काला इलम भी लोगों के ऊपर करता था। मज़ीद हम इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि ये सारी कहानी क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। ये पहले अपने आप को बहुत अच्छा साबित करता था, लोगों का भला करता था। जब इसके यहाँ उसने कुछ 4 साल गुजारे तो ऐसा ऐसा उन्होंने लोगों का बुरा भी करना शुरू कर दिया। इतने लेके कौन आया सी? मैं खुद ही लेके आया सी भी ये नेक लोग है, दरवेश बंदा है, अपने आप नु बड़ा पहुंचा साबित करता सी। आए बंदे नु वेख के दादा सी इन्हूं ऐ गल है, लेकिन गंधीलिया तो कम लैंदा सी, गंधीलिया दे कोल हासिल कीतियां सी उन्हें चिल्ला ला के। ते जिस वक्त सानू इस चीज़ का इलम हो चुका ना कि जना करदा है और एक मतलब कि जानवर बुरा करदा है, असीं उहदे ते पिछा हटण दी कोशिश कीती, उहने साडा नुकसान करना शुरू। नहीं जना किहदे नाल करदा सी तुहानूं? क्यों औरत दवाई लैन आई सी ओहदे नाल वेख्या दीवार उस वक्त नीवी सी ते मैं उहनूं कहिंदे चाह बना के लिया मैं चाह बनाउण वास्ते आया जिसले मैं उधर नज़र पई मेरी ते मैं उहनूं वेख्या उस बाद असीं उहदे नाल सलाम दुआ खत्म करती फिर वो जुलम करन लग पिया भी हुण मैनूं बुला दे। तुसीं जदों चाह लैण वास्ते आए हो दीवार निक्की सी तुसीं उहनूं वेख्या कि ओह औरत नाल ज़िना करदा पिया? हाँ जी। तुसीं जाके उहनूं पुछा नहीं कि आ तुसीं की करदे? मैं कहा सर ते ओह मैनूं कहिंदा किसे नूं दस्सी ना मैं कहा मैं तैनूं लै के आया कि तूं तां अच्छा बंदा है दरवेश तूं अपने आप नूं साबत कहिंदा ते इह तूं की कम करना पिया ते औरत दे नाल उहने रज़ामंदगी नाल कीता जां जबरदस्ती रज़ामंदी है यानी कि औरत नाल रज़ामंदगी नाल ज़िना की नाल कीता और उस तों बाद असीं उहदे ते पिछा हट गए। उस तो बाद फिर उन्हें साडे जानवरों नुकसान बकरियां नुकसान किया भी हुण मैनूं बुलांदे क्यों नहीं, असीं उहनूं कहना शुरू करता भी ये जहली है ये वो लोग नहीं नेक नहीं दा ये बुरा करन वाला है। मैं उन्हें खुद कह बैठा कि बुरा करन वाला काफिर है ते तू ये काम क्यों करना है, लैके भी तुसीं आप उन्हें आए ते फिर जदों तुहानूं उनदी हरकतां पता चलिया कि औरत नाल ज़िना करदा फिर तुसीं पिछे हट गए? पिछे हट गए फिर उन्हें मैनूं लत्तां तों लंघिया करता ऐ मैं हाले भी मैंने लत्तां दे एक्सीडेंट भी करवाए मैंने लत्तां तो लंघ लिया करता अपने मुँह उन्हें कहा हूँ तू रेहड़ी बनवा लिया शहर जाने वास्ते तू मैंने जैली पीर क्या हूँ मैं तेन लत्तां लंघिया करता है जैली पीर तुम क्या नहीं कि मैं तेन खुद वेख्या तू औरत ना क्या ना ता ही तो मेरे वैर पै गया भी तू हूँ लोगों भी मैं लाहौर तक फिर दसिया भी ये जना करता जे काला इलम करता जे ये दरवेश दरूज को नहीं जे तुसीं इहदे अखां नाल वेख्या जना करता लेकिन काला इलम का तुहानूं किवें पता चलिया कि बंदा काला इलम का जदों उन्हें एक बंदे नूं डिगया ना ते ओनू खुशी मौन जट नू ओ फौत हो गया असीं भी फौत हो जाना लेकिन ये हकीकत वाकया है अपने मुँह मन गया कि मैं डिग गया है ते तू उधर क्यों गया है मैनू तो वह बुलावन आ गया ते मैनू की पता थी किवें डिग गया उन्हें किवें उन्हें गंधीलियां दी वजह गंधीलियां दी किवें उन्हें पता करता बेहोश कर दिया? हाँ जी बेहोश करता और सुबह आप ही भी सवेरे मैं पैसे देन फिर मैं सही कर देंगा तो लोग आखनगे भी बाबा बड़ा करने वाला है लेकिन वह लानती आदमी से और हरकतों तो जिस वक्त मैं वाकफ होया उस वक्त उन्हें साढ़े जानवर नुकसान करना शुरू कर जानवरों का की नुकसान होया? मेरिया बकरियां पहले खून आया वो मर गई मैं थाने गया उस बाद फिर एक वाजिया वाकया हो गया कि ए मेरे रिश्तेदार ने सामने उन्होंने को मन कणक मंगी किसी औरत को लाया सामने मसाई उन्होंने मन कणक नहीं दी उन्होंने मझ में खून आने ला पाया उस पहले मेरे नाल वाकया हो चुका से तो मैं उन्होंने कहता से भी इन कोई चीज़ नहीं जी देनी ये जना करता जे ये काला इलम करता जे इन तो बचो ये तो मैं मतलब कि इन लिया बैठा तो परेशानी कट ली आप बुरा करने वाला लोग नेक नहीं था उस वक्त जरा मझ भी मर गई तो कट्टी भी मर गई यानी कि उन्हें काला इलम करने की वजह तो मझ भी खून आने की वजह तो मैं कह परचा करवाइए फिर उन्हें मेरे ते हवाई हमला करवाता इतने मैं बच्चे आपदे नूं मारना पिया ते ओह बच्चे नूं चपेड़ मारी दूजी मैं मारन लगा ते मैं आप थले डिगा पिया मेरे जदों तुसीं डिगे जे ज़ाहरी गल तुहानूं तो इस चीज़ का पता होया तुहानूं की महसूस होया सी तुसीं किवें डिगे? मैं महसूस मैनूं कुछ नहीं होया जिस वक्त मैं डिगा ना मैं पिछे वेख्या पिछे मैनूं कोई भाई शायद नज़र नहीं आई धक्का वजदा जिवें होया धक्का पैर ते वजा खुच ते टोया पिया ए वेखो टोया पिया ए खुच विंगी ए भाई अंबला मैं थाने साहब नूं वखाया ते ए 20 दिन मेरा पैर सुज गया सी एडा हो गया मैं हस्पताल गया भी क्षण की वजह हो गई ये मैंने पता ही नहीं किवें भाई हमला भी हो जाता है। गल कितनी पुरानी है? तकरीबन 8-10 साल पुरानी है ते तारीख लिखी हुई है
8-7 साल हो गए ने तारीख इन्हें आई जी पंजाब दिखा फिर अभी गए कि देर हो गई है कि मतलब थोड़ा छड़ के चला गया ए मतलब मकान वेच के गया मैं 4 साल हो गए ने फिर साडा वैर बढ़ गया फिर मैं वादे तौर पर कहता जो मैं 20 दिन अस्पताल भी गया लत्त बहुत बन को गया कि तू आराम नहीं आया कि तू ही असमा मेो को मेरा बेली घेगा से लै गया उतो जो उन्हें दम किया उस वे सोच लै गई फिर मैं आके गल् क्डिया ने मैं हूँ मैं तेन रहन नहीं देना तू इत जानवर का इंसाना का बुरा करना है तू काफर काम इतने शुरू कर दते हैं तो बदनामी मेरी एक लोग कहते सूफी इन्होंने लैके आया से मैं हूँ तेन रहन नहीं देना फिर उन्हें मेरा मेरे से मेरा नुकसान करना चाहिए फैमिली के ते तोड़े जानवरों तो मतलब और किस किस चीज का तोड़ा नुकसान होया और है मेरे बेटे ने बाजू तोड़ाया उन्हें मेरी बीवी नू डेगया मेरी छोटी बच्ची नू कोठे तो डेगया उनका पैर टुटा है साढ़े सारे जिया जेड़ा ना नुकसान किया है मेरे पैर से भाई हमला करवाया है मेरे बेटे का बाजू खब्बा जेड़ा ना जोड़ भी विंगा लगा है इस तो अलावा यानी कि जो तुम उन्होंने पहली दफा कितनी देर रहा इतने इतने तकरीबन 12-13 साल रह 12-13 साल जो तुम उन्होंने लैके आए सजे उस तो कितनी देर बाद औरत नाल जनाह कर दे गया तकरीबन 3 साल बाद 3 साल बाद उस अलावा तुम किसी मलेदार ने शिकायत की हो किसी और की थी लेकिन मैं नहीं था मानता क्या उन्होंने कहा कि असं एक औरत नाल इन्हें वेख्या है लेकिन मैं कहता था ये परहेजगार है तो एवें नहीं हो सकता वह बीबी सी जिन्हें वेख्या से ते लेकिन उदो ना मैं मनिया ना कि मैं हो सकता है भी झूठ बोल दी हो जो तो मैं खुद अखा नाल वेख्या ना तो फिर मैंने कहा कि तू जालम इंसान है तू बुरा करने वाला है तो मैं धोखे तो तेन मैं लिया बैठा तू मैं कहना है दरवेज तो नेक लोग किसी का बुरा नहीं करते मेरे नबी पाक ने कभी किसी का बुरा नहीं किया लोगों वास्ते भलाई की है तो तू तो जानी आदमी तू काला इलम करना है एंदा वास्ते मेरे मतलब आपकी दुआ रुचि कर लै तो तेरा मेरा तल्ल खत्म फिर उन्हें कहा भी उन्हें फैमिली नहीं सी रही इतने नहीं कला ही सी कला ही सी राड़े का सी 33,000 की जगह लैती कुछ पैसे मैं भी बेच पाते कि चलो सा चलो उनको मैं एक मत सिखा दिता है तो नेक इस चार दे ना मकान मैं खुद तावी चुके मकान उन्होंने पा के दिते जेडे बेच गया है चला गया इतों हाँ जी चला एंड द एंड तुसी की मतलब उनके बारे कहना चाहोगे एंड द यह है कि जनाब मेरा मेरी जमीन भी विकी 5.25 लाख की तो मैंने बाबा 10,000 रुपया दिता है मैं तो आई जी पंजाब दिक्कत मैं गया मेरी किसी ने रसाई नहीं की धोखे तो मेरे को गूठे लवा लिया उन्होंने भी असं तेरा इलाज भी करावे तो असी तेरा जरा ना मुआवजा भी देंगे जानवरों का और तेरा नुकसान भी लेकिन ना उन्हें मैं नुकसान दिता तो ना मैं यानी कि मुआवजा दिता आई जी पंजाब तिक्र मैं गया वा लेकिन मेरी किसी ने पुलिस वाले ने मेरी दरखास्त खारिज करती कि असी काले नमाले के मुतलक साढ़े कानून नहीं है कि इन असी फल लीए जी नादरीन आपने इनकी बात सुनी हमारी भी तमाम मुसलमानों से तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि ऐसे जो जाली पीर हैं जो इस तरह के लोग हैं उनसे बचें। इसके साथ ही अपनी मेज़बान उमर अली को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए 42 HD TV अलाने के।